दोस्तों किसी ने खूब कहा है कि जैसी जिंदगी आप जी रहे हैं ना वैसी जिंदगी जीने के कोई सपने देख रहा है। इस बात को प्रूव करने के लिए कहानी सुनाऊंगा। छोटी सी कहानी है एक आदमी की। एक आदमी जो रोड पर पैदल चल रहा होता है और उसके पास से एक बाइक गुजरती है। बाइक को देख वो सोचने लग जाता है, काश मेरे पास भी बाइक होती और मुझे पैदल ना चलना पड़ता, मैं आराम से कहीं भी आ जा सकता। वहीं दूसरी ओर वो बाइक वाला जब रेड लाइट पर जाकर रुकता है तो अपने पास खड़ी छोटी सी गाड़ी को देख के सोचता है, काश मेरे पास छोटी सी गाड़ी जो होती, धूप और बारिश से तो बच जाता। और वो छोटी सी गाड़ी वाला अपने पास खड़ी एक मर्सिडीज को देखता है जिसमें एक ड्राइवर चला रहा होता है, मालिक पीछे बैठा होता है, और उसको देखकर सोचता है, काश मेरे पास एक बड़ी सी गाड़ी होती, मेरे पास भी ड्राइवर होता और मैं पीछे आराम से बैठकर सफर करता। वहीं वो मर्सिडीज में बैठा आदमी क्या सोच रहा होता है आप विश्वास नहीं करेंगे। उस मर्सिडीज में बैठा आदमी सोच रहा होता है, काश मैं अपने पैरों पर चल पाता। जी हाँ दोस्तों, वो बंदा विकलांग होता है, वो अपने पैरों पर नहीं चल पाता और उसका सपना सिर्फ इतना होता है, काश मैं कहीं भी अपने पैरों पर आ जा सकता। दोस्तों इस छोटी सी कहानी से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लोग सपने देख रहे हैं लेकिन हम उनकी कदर ही नहीं करते, हम उनकी वैल्यू ही नहीं करते। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नमक की कीमत खाने में ना होने पर पता लगती है, शरीर की कीमत बीमार होने पर पता लगती है, घर परिवार की कीमत घर वालों से दूर होकर पता लगती है। ऐसे ही चीज़ों की कीमत उनके छिन जाने पर पता लगती है, लेकिन आपको चीजों के छिन जाने के इंतजार नहीं करना है, आपको चीजों के रहते हुए उनकी कीमत पता करनी है। आंखें बंद करके देखे तो सही आपके पास ऐसा क्या कुछ है जो लोगों के सिर्फ सपनों का हिस्सा है। इस कहानी के जरिए, इस वीडियो के जरिए मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि आपको सपने देखने का हक है लेकिन आपको जो आपके चीजें हैं उनकी कदर करनी भी सीखनी पड़ेगी। सपने देखिए, सपनों को साकार कीजिए, सपनों को शिद्दत से देखिए, उनको पूरा कीजिए, मन लगाकर काम कीजिए, लेकिन जो चीजें आपके पास अभी हैं उनकी कदर करना भी सीखिए। इस छोटी सी वीडियो के जरिए मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आपके पास बहुत कुछ है जो सिर्फ लोगों का ख्वाब है, कहीं ऐसा ना हो कि सितारों की खोज में अपने पास पड़े हीरे गवा बैठे। मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपसे जुड़ता रहूं हर हफ्ते ऐसी वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रोहित थापर साइनिंग ऑफ। हैव अ गुड डे।